आज हम लोग बना रहे हैं गाजर मूली भी है, अदरक है, हरी मिर्च है और गोभी का मिक्स अचार। बहुत ही टेस्टी होता है फ्रेंड्स, इतना टेस्टी होता है किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं, पूड़ी पराठे दाल चावल। तो आइए आज हम लोग बनाते हैं आज मिक्स अचार, जो बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो जाती है, ऐसे कम से कम 6 महीने तक स्टोर किया जा सकता है। उसके लिए कुछ मसाले लगेंगे फ्रेंड्स, ये सरसों के दाने, मेथी है, जीरा है, बनारसी राई है जिसे हम लोग तड़के में लगाते हैं, और ये है सौंफ। तो सारे चीज़ों को हम लोग पहले भून लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा। इसमें डालेंगे 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच जीरा, भर की सौंफ, 1 से 1.5 चम्मच डाल देते हैं सौंफ का, स्वाद बहुत अच्छा होता है। ये बनारसी राई, इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे, सरसों भूनेंगे, सरसों डाल देते हैं, हल्का सा सरसों भी रोस्ट कर लेते हैं। ये काली मिर्च 10 से 15 दाने, सारे मसाले को अच्छे से रोस्ट कर लेते हैं। इसको ज़्यादा नहीं रोस्ट करना है, बस हल्का सा रोस्ट करना है। अब इसमें डाल देंगे अजवाइन, 1 चम्मच अजवाइन और 1 से 1.5 चम्मच से बनारसी राई, इसको भी इसमें डाल देंगे। ये रोस्ट हो चुका है, इसे हम लोग निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में हम लोग डालेंगे तेल। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जब तक तेल गर्म होता है अगर मसाले को दरदरा पीस के तैयार कर लेते हैं और सब्जियों को काट लेते हैं, धुआं निकाल लेते हैं, कच्चापन इसका हटा देंगे। तेल अचार हमेशा सरसों के तेल में ही बनाते हैं, मस्टर्ड ऑयल में अचार अच्छा होता है। तो मस्टर्ड डाल है ये 1/2 कप, इसको हम लोग अच्छे से गर्म कर लेते हैं और सब्जियाँ काट लेते हैं। देखिए फ्रेंड, गोभी हमने काट लिया है, ऐसे लंबे लंबे टुकड़ों में गोभी काट लिया है। हरी मिर्च को 20 से ऐसे खड़े खड़े कीड़ा लगा के काट लेंगे, ऐसे लंबे लंबे मिर्च को काट लेंगे। अगर ज़्यादा लंबा है तो उसे 20 से 2 भाग कर लेंगे और फिर ऐसे चीरा लगा लेंगे। इस तरह से मिर्च को काट लेंगे। इसी तरह से हम लोग पहले 2-2 इंच टुकड़े में मूली को काट लेते हैं। अब इसको लंबे लंबे हम लोग काट लेंगे, पतले पतले लंबे लंबे स्लाइसेस में, इस तरह से स्लाइसेस में काट के तैयार कर लेते हैं। देखिए मूली हम लोग काट लिए हैं। अब इसी तरह से गाजर को भी काट लेते हैं लंबे लंबे स्लाइसेस में, इसको भी इसी तरह 2-2 इंच के स्लाइसेस पहले काट लेंगे फिर लंबे लंबे काट लेते हैं। देखिए गाजर इस समय सीजन में बहुत अच्छा आ रहा है, सब कुछ मूली खूब ताज़ी ताज़ी मूली मिल रही है, गाजर खूब ताज़ा ताज़ा, इसमें अचार तो बनता है फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी होता है इसका अचार, आप किसी के साथ भी इसे खा सकते हैं। तो देखिए इस तरह से लंबे लंबे हम लोग काट के तैयार कर लेते हैं। तो देखिए सारा कट चुका है, इसे लंबे लंबे स्लाइसेस में इसे काट लेते हैं। इसी तरह से फ्रेंड हम लोग अदरक को भी काट लेंगे लंबे लंबे स्लाइसेस में। विंटर की सबसे बेस्ट सब अचार होती है ये, ऐसे लंबे लंबे पतले पतले स्लाइसेस में इसको भी काट लेते हैं। ऐसे भी हमने अदरक हरी मिर्च नींबू का अचार डाल रखा है, वो भी बहुत टेस्टी अचार है। हरी मिर्च और इमली का अचार डाल रखा है, वो भी बहुत टेस्टी है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो उसे भी देखिएगा, बनाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। इमली हरी मिर्च नींबू अदरक का अचार, लहसुन सब डाल के इस तरह से हमने इसको काट लिया है, सब कुछ काट लिए हैं, तेल गर्म हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड तेल में अच्छे से धुआं आ चुका है, अब गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और तेल को अपने आप पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, मतलब गुनगुना रहेगा तब अचार बनाएंगे। और सब्जियों का हमने काट के तैयार कर लिया है। देखिए इसमें डालेंगे 1 चम्मच हींग, 1 चम्मच हींग डालेंगे और ये डालेंगे पंचफोरन। तेल गुनगुना है हल्का, तो हमने गैस जलाया भी है। इसे मंगरेला और सौंफ जब खड़ा खड़ा मुंह में आता है ना तो बहुत अच्छा लगता है, तो इसको हल्का सा डालें हम लोग। अब इसमें डाल देंगे हम लोग सब्जियाँ, सारी सब्जियों को इसी में डाल देते हैं। अचार को गलाना है, बस हल्का सा क्रंच, इसका कच्चापन निकालना है। सारी सब्जियों को इसमें हम लोग डाल दिए, गैस की फ्लेम एकदम स्लो कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, अच्छे से
से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच हल्दी पाउडर। ये सारी सब्जियां फ्रेंड्स मिला करके मेरी आधा किलो से ऊपर है। अब इसमें डालेंगे हम लोग मसाले, जो मसाले हमने बनाए थे ऐसे दरदरे मसाले बनाए थे, अब इसे डाल देते हैं 2-3 चम्मच। अच्छे से मसाले डालेंगे, जब अचार में मसाले होते हैं तभी तो अचार टेस्टी होता है। अब इसमें डालेंगे हम लोग नमक, नमक अचार में अच्छे से पड़ेगा क्योंकि नमक से ही अचार प्रिजर्व होता है और इसका टेस्ट आता है। ये काश्मीरी लाल मिर्च, हम लोग मिर्चा नहीं डालेंगे इसमें क्योंकि हम लोग हरा मिर्चा डाले हैं, इसलिए मिर्ची की कोई ज़रूरत नहीं। काश्मीरी मिर्च से कलर बहुत अच्छा आएगा, इसलिए कलर के लिए डालेंगे। तो देखिए अब सब चीज़ों को अच्छे से हम लोग मिक्स करेंगे, खूब अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। अब 2 मिनट बस गैस पर इसको पकाएंगे, ज़्यादा नहीं, सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। मसाला थोड़ा सा कम लग रहा है, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। ये अचार बनके जब तैयार होगा ना फ्रेंड्स, मुंह में एकदम पानी आ जाएगा, इतना टेस्टी अचार ही होता है ना। और इसे किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हैं, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, रोटी के साथ, चावल दाल के साथ, तो ये अचार तो बनता है। और सीजन है, गाजर मूली गोभी हर चीज़ का सीजन है, तो ये अचार तो बनता है, इसे ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स। मेरे तरीके से बहुत ही टेस्टी होता है। देखिए कितना बढ़िया से ये, 2 मिनट और इसको भूनेंगे। तो देखिए अचार अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और थोड़ा सी टाइम सॉफ्ट हो चुका है। अब गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं और इसको हम लोग इसमें डालेंगे थोड़ा सा विनेगर। विनेगर से ये होगा अचार लंबे टाइम तक प्रिजर्व रहेगा, ख़राब नहीं होगा और खट्टापन आएगा। बस 1 चम्मच बहुत है। और इसको अच्छे से मिक्स करके और इसको हम लोग निकाल लेते हैं इसे दूसरे बर्तन में। आइए हम इसको निकाल लेते हैं। देखिए कितना यम्मी लग रहा है, देख के मुँह में पानी आ रहा है फ्रेंड्स। देखिए कितना यम्मी है, इसको पूरा निकाल के फिर मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स बन के तैयार है गाजर मूली गोभी अदरक मिर्ची का अचार, मिक्स अचार, बहुत टेस्टी होता है। और इसे बना के आप लोग स्टोर कर सकते हैं पूरे 6 महीने तक ही ख़राब नहीं होगा। तो इस तरह से बनाइए फ्रेंड्स, पूड़ी पराठे रोटी किसी के साथ भी, ऐसी कैरी के चावल दाल हर चीज़ के साथ ये अचार बहुत टेस्टी लगता है। तो ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स, इसे ज़रूर बनाइए फ्रेंड्स, मिक्स अचार बहुत ही टेस्टी होता है। इसको बनाने के लिए मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो फ्रेंड लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अचार की मजे लीजिए।